देहरादून पुलिस लाइन में उत्तराखंड पुलिस ने नशे के खिलाफ मैराथन 2018 का आयोजन किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने शिरकत की और प्रतिभागियों को नशे के खिलाफ अभियान की शपथ दिलाई। साथ ही नशे के खिलाफ इस मैराथन का आयोजन करने के लिए शुभकामनाएं देते हुए सीएम रावत ने युवाओं को नशे से दूर रहने की अपील की। इस मैराथन में 20,000 लोग नशे के खिलाफ दौड़े, जिसके बाद अलग अलग वर्गों में जीत हासिल करने वाले प्रतिभागियों को सम्मानित भी किया गया। नहीं, उत्तराखंड पुलिस लगातार कई वर्षों से इस तरह के कार्यक्रम कर रही है और पुलिस का जहां कानून का अनुपालन करना है, इस तरह का जो लोग नशे का कारोबार कर रहे हैं और नई पीढ़ी को बर्बाद कर रहे हैं, पुलिस जहां कानूनी रूप से अपना फर्ज अदा कर रही है, वहीं जागरूकता, और मैं समझता हूं कि सबसे बड़ी चीज़ जागरूकता है और इस तरह के आयोजनों से जागरूकता आती है। इसमें छोटे बच्चे भी हैं जो जूनियर हैं, कहना चाहिए कि 15 साल से छोटे हैं, युवा पीढ़ी बड़ी संख्या में इसमें है और मुझे लगता है कि इस तरह के आयोजन अगर सतत होते रहेंगे तो सबसे बड़ा समाधान जागरूकता है। हम नशा करें ही नहीं तो बेचने वाला कहाँ से नशा बेचेगा, कोई हमारे मुँह में तो ज़बरदस्ती डालेगा नहीं। आज हमारे समाज के समक्ष जो युवा पीढ़ी है विशेष तौर से, उसको उस ऊर्जा को देश की निर्माण में लगाने की आवश्यकता है और ड्रग्स जो हैं ये एक बहुत बड़ी चुनौती समाज के लिए बन रहे हैं। पुलिस का दायित्व जहां एक ओर, इस प्रकार के ऐसे तत्व जो समाज के लिए चुनौती बन रहे हैं उनके विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई करना है, वो दायित्व पुलिस अपना बड़ी निष्ठा से निर्वहन कर रही है उसका। लेकिन केवल ऐसे तत्वों को पकड़ने से काम नहीं चलेगा, आम जनमानस में इस बात के संबंध में एक चैतन्य की भी आवश्यकता है कि इसके दुष्परिणाम क्या हैं। इस मौके पर नवनिर्वाचित मेयर देहरादून सुनील उनियाल गामा, पुलिस महानिदेशक अनिल रतूड़ी, अपर पुलिस महानिदेशक अशोक कुमार सहित वरिष्ठ अधिकारी और हजारों की संख्या में प्रतिभागी मौजूद रहे। पंजाब केसरी टीवी के लिए देहरादून से कुलदीप रावत की रिपोर्ट।